खरगोन जिले के गोगावा से चीन में पढ़ाई करने गए दो छात्र फंस गए हैं। छात्र अब्दुल मतीन शियांग में MBBS और रोहित नायर होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने हुंगाई शहर में फंसे हैं। रेड 9 संवाददाता ने अब्दुल से वीडियो कॉल कर जानकारी ली है। इसमें अब्दुल ने बताया कि उनके साथ भारत के बहुत से छात्र मौजूद हैं। चीन में फैले कोरोना वायरस के कारण शियांग में कर्फ्यू जैसी स्थिति बनी हुई है। घरों से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इन लोगों के पास खाने पीने का सामान समाप्त हो चुका है। दोनों छात्रों के परिवार ने मध्य प्रदेश व केंद्र सरकार से अपील की है कि उनके बच्चों के लिए खाने पीने की व्यवस्था कराएं एवं उन्हें जल्द भारत लाने के प्रयास किए जाएं। चीन में फैले कोरोना वायरस से परिजनों में डर का माहौल बना हुआ है। वहीं छात्रों को कोरोना वायरस का कहर सता रहा है। मैं अब्दुल मतीन खान, हुबेई यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन, शियान सिटी, हुबेई प्रोविंस का स्टूडेंट हूं। मैं यहां पर अभी फिलहाल में 5-6 दिन से अभी फिलहाल हम लोगों को रूम के अंदर ही रहने का बोला गया, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी और डॉर्म पूरा सील कर दिया गया। यहाँ तक कि पूरी सिटी भी हमारी सील कर दी है। अभी फिलहाल में हमारे शियान सिटी के अंदर 120 प्लस केसेस कोरोना वायरस के कन्फर्म्ड हैं। हम यहाँ पर 140 लोग हैं टोटल इंडियन स्टूडेंट, जो सभी की सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम लोगों को यहाँ से ले जाकर इंडिया अपने कंट्री वापस ले जाया जाए, क्योंकि इस हालत के अंदर कोई भी नहीं चाहता है कि रहा जाए, क्योंकि इस तरीके से इस तरीके के डर में कौन रहेगा कि अगर रूम से भी बाहर निकलते हैं तो आपको खतरा है कि आपको वायरस से अफेक्ट आप हो सकते हो। तो तभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप अपनी कंट्री पहुँचे। और यहाँ पर फिलहाल में तभी स्टॉक हमारा खाने का सब कुछ खत्म हो रहा है, पानी वगैरह सब चीजें हम लोगों का भी अवेलेबल नहीं हो पा रही, क्योंकि सब कुछ बंद है। पार्ट भी बंद है, हर चीजें बंद है। फिर भी यूनिवर्सिटी कोशिश तो कर रही है कुछ कुछ चीजें ऐसे मिलकर के पैकेट हो गए ब्रेड, ये फिर भी हम लोगों को वो मुहैया करवा रही है, वो ला कर दे रही है यहाँ पर। 2 वर्ष पहले अब्दुल मतीन चाइना MBBS करने के लिए गया है। वहाँ इस वक्त जो कोरोना वायरस की वजह से जो परेशानी आ रही है, काफ़ी हालात खराब है वहाँ पर। मैं अपनी तरफ से बच्चे के अच्छे रहने की कामना करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार जितने भी बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं उनको भी और मेरे बच्चे को भी वहाँ से जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी से मैं आग्रह करता हूँ कि वो जल्द जल्द बच्चों को लाने की वहाँ से कोशिश करें। बच्चे काफ़ी परेशान हो रहे हैं वहाँ पर, खाने पीने की परेशानी है, कर्फ्यू जैसे हालात हो गए हैं, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है और खाने पीने की काफ़ी दिक्कत हो रही है बच्चों को। मेरा ये भी निवेदन है भारत सरकार से कि बच्चों के पास किसी भी डॉक्टरों को भेजकर उनकी भी निगरानी में उनको भी रखा जाए। बच्चे काफ़ी परेशान हो रहे हैं, बच्चे कहते हैं कि हम यहाँ से ज़िंदा आ भी पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, तो हमको सुनकर बहुत दर्द हो रहा है कि क्या करें, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं बच्चों के लिए यहाँ से।